अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब। कुमन साहब, खान साहब ने जी कॉल दी आज दी कि पेट्रोल महंगा होया, ये बारे तुसी की कहना चाहते हो? खान साहब पाकिस्तान लवर ने, वो हमेशा पाकिस्तान की आवाम का सोचते ने, बाकी जड़े ने वो इकतदार दे इकतदार की हबस में सिर्फ उन्होंने इकतदार चाहिए या उन्होंने लाशों की सियासत है। इमरान खान वाहद एक हस्ती है कि जड़ी इस वक्त पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के मुतलक सोचता है पाया, उन्होंने फिक्र पाकिस्तान की है। इंशाल्लाह ये इनकलाब जड़ा इन्हों इन्नी को दूर लै जाएगा कि इन्ह का नामो निशान मिट जाएगा। कुमन साहब, एक सवाल, सोशल मीडिया से बड़ा ही गर्दश करता पाया कि वो कौन था जिसने ये सारा कुछ किया? वो हम सब जानते हैं, वो ये खान है जिसने उसको एक्सपोज कर दिया, वगरना ये तो लंदन जा के उसका नाम लेते थे। खान साहब, ये एक बात बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही है कि लोग डरते उसका नाम नहीं लेते, लेकिन पता सबको चल गया कि वो कौन है। तो वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सारी आवाम जानती है कि वो इतना एक्सपोज हो गया, इतना गंदा हो गया कि अब वो मुंह दिखाने के उसके अपने साथी जो उसके खिलाफ हो गए हैं। इस एक काम की वजह से मुल्क का मुआशरा जो है बिल्कुल बैठ गई है। उसने धरती माँ का सौदा किया, इससे बढ़कर वो जलील, इससे बढ़कर क्या हो सकते हैं ये लोग, चाहे वो पीडीएम में जितने भी हैं या उनके हवारी हैं या अमेरिकन हैं। अब डंके की चोट पे खाने का है कि एब्सोल्युटली नॉट, हम इनको नहीं मानते और अवाम ने खान को मान लिया है, अब अमरीकी गद्दारों की जगह पाकिस्तान में नहीं है। थैंक यू कुमन साहब, शुक्रिया।